नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के छात्र की हत्या का मामला गर्मा गया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन 11वीं कक्षा के छात्र का शव मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने देवबंद रुड़की राजमार्ग पर लंबा जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं अब घटना से भड़के ग्रामीणों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो क्या है ये पूरा मामला, लीजिए आप भी देखिए। दरअसल दो दिन पहले मंगलोर क्षेत्र से लापता इंटर के छात्र का शव बीते दिन जंगल में पड़ा मिला। ऐसे में छात्र के गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान छात्र की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बीते दिन देर शाम तक वहां जाम लगा रहा। दरअसल मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लहबोली गाँव निवासी 11वीं कक्षा का छात्र बीते शुक्रवार सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वो घर वापस नहीं आया। इस दौरान छात्र के वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी रात भर तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से भी शिकायत की थी। इस बीच बीती शाम करीब 6 बजे गांव की कुछ महिलाएं जंगल की तरफ गई थी। वहीं जंगल में एक युवक का शव देखकर महिलाओं ने गांव में आकर ये जानकारी दी, जिसके बाद शव की शिनाख्त 11वीं कक्षा के छात्र के रूप में हुई। इस दौरान गुस्साए परिजनों ने देवबंद रुड़की राजमार्ग को बंद कर दिया, जिसके बाद मौके पर लंबा जाम लग गया। वहीं स्थानीय पुलिस जाम खुलवाने की कवायद में जुटी, लेकिन ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और देर शाम 7:30 बजे तक मौके पर लंबा जाम लगा रहा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।